नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास सिक्स पीपल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लैंग्वेज है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक वो है आपका मराठा राजवंश। ठीक है, तो मराठा राजवंश के पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें और इसका पार्ट नंबर बी होगा, मराठों का उदय कैसे हुआ था। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त, आज हम पढ़ेंगे आपका यहाँ से शाहजी के साथ। तो शाहजी ने पूना की जागीर अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई, तो शाहजी ने पूना की जागीर अपने उपेक्षित पति जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी के जेल में छोड़ दिया था। तो पूना की जागीर जो थी शाहजी ने किसके किसको दे दिया था, तो जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी के जेल में छोड़ दिया था। तो देखिए आपके शाहजी यहाँ पर है। ठीक है, तो इनका बात इनका इनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, शाहजी भोंसले के बारे में। ठीक है, तो शाहजी भोंसले ने पूना की जागीर अपने अपेक्षित पत्नी जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी प्रथम के जिम्मे छोड़ दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645 से लेकर 1647 ईस्वी में पूना के समीप रायगढ़ कोंडाना और तोरण के पहाड़ी किलों को जीतकर शिवाजी ने प्रथम ने अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे। ठीक है, तो आपके शिवाजी प्रथम थे 1627 से लेकर 1680 तक रहते आपके जीवनकालीन का, और 1645 और 47 में इन्होंने पूना के समीप रायगढ़ कोंडाना और तुरंग के पहाड़ी किलों पर जीतकर शिवाजी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे। ठीक है, ये आपके शाहजी भोंसले। ठीक है, तो शाहजी भोंसले ने पूना की जागीर अपनी उपेक्षित पत्नी जीजाबाई, एक पत्नी जीजाबाई जी जो आपकी बेटी थी किसकी, लघु जी जादा राव की। ठीक है, और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी की जिम्मे छोड़ दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645 से 47 में पूना के समीप रायगढ़ कोंडाना और तुरंग के पहाड़ी किलों को जीतकर शिवाजी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे। 1647 ईस्वी में शिवाजी के अभिभावक दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई। 1647 ईस्वी में शिवाजी के अभिभावक दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई। शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली का राज जीत लिया तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली का राज जीत लिया तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो मराठा सरदार जो है चंद्रराव मोरे से जावली का राज किसने जीता था, तो शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को उसके बाद राजधानी बनाया था। जावली की विजय से वह मवाली क्षेत्र के निवास स्वामी बन बैठे, परिणाम स्वरूप सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टी कोंकण को अपने अधिकार में ले लिया। तो शिवाजी ने जावली की विजय से वह मवाली क्षेत्र के निवास स्वामी बन बैठे, परिणाम स्वरूप सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टी कोंकण को अपने अधिकार में ले लिया। बीजापुर ने उनके विरुद्ध कड़ा कदम उठाने का फैसला किया और उसने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अफजल खान नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। तो उसने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अफजल खान नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को जो है शिवाजी के विरुद्ध भेजा और उसे निर्देश दिया कि जैसे भी हो वह उसे बंदी बना ले। ठीक है, शिवाजी के सैनिक खुली लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए अफजल खान की विशाल सेना देखकर वह भयभीत हो गए। तो शिवाजी के सैनिक खुली लड़ाई के लिए अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए अफजल खान की विशाल सेना देखकर वह भयभीत हो गए। अफजल खान ने शिवाजी को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण की भेजा और यह वादा किया कि वह उसे बीजापुर के सुल्तान से माफी दिलवा देंगे। शिवाजी को शक था कि यह अफजल खान की चाहती, इसलिए वह भी पूरी तैयारी के साथ उसके शिविर में गए और साहसिक पूर्ण अपने तथा कटार से अफजल खान की हत्या कर दी। अब उसने अफजल खान की नेतृत्व विभिन्न सेना पर आक्रमण करके उसके पैर उखाड़ दिए तथा उसके सभी साजो सामान पर, जिसमें तोपखाना शामिल था, अधिकार कर लिया। इस विजय से उत्साहित होकर मराठा सेना ने पनहाला के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया तथा दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर क्षेत्रों के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इस विजय पर उत्साहित होकर मराठा सेना ने पनहाला के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया तथा दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय को चिंता की दृष्टि से देख रहा था। तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय को चिंता की दृष्टि से देख रहा था। उसने दक्कन के नए सूबेदार साहिता खां को, जो वैवाहिक संबंधों के कारण औरंगजेब का रिश्तेदार भी था, शिवाजी के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय को चिंता की दृष्टि से देख रहा था।
उसने दक्कन के नए सूबेदार साजिदा खान को जो वैवाहिक संबंधों के कारण औरंगजेब का साझेदार भी था शिवाजी के राज पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के विरुद्ध साजिदा खान ने पूना पर अधिकार कर 1669 ईस्वी में उसने अपना मुख्यालय बना लिया। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के विरुद्ध साजिदा खान ने पूना पर अधिकार कर 1669 ईस्वी में अपना मुख्यालय बना लिया। शिवाजी ने छापामार युद्धों से मुगलों को अत्यधिक परेशान किया तथा मराठों ने अप्रतिवीरता का परिचय दिया। शिवाजी ने एक साहसी कदम उठाया, वह साजिदा खान के पूना स्थित शिविर में प्रवेश कर गए और रात में उसके हरम के में आक्रमण कर दिया। साजिदा खान का बेटा और एक रक्षक मारा गया तथा साजिदा खान घायल होकर भाग गया। इस साहसिक आक्रमण से खान की साजिदा खान बहुत निंदा हुई और शिवाजी की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ गई। उधर सहनशाह औरंगजेब ने साजिदा खान का तबादला कर उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस बीच शिवाजी ने एक और साहसिक कार्रवाई की, उसने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर जून 1664 ईस्वी में जो आक्रमण कर दिया और उसे लूट लिया। ठीक है, पुरंदर की संधि आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति हुई, तो पुरंदर की संधि हुई और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति हुई। तो साजिदा खान की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए आंबे के राजा जयसिंह को तैनात किया। तो आंबे के राजा जयसिंह को तैनात किया। ठीक है, जयसिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों से था। उसे पुलिस, प्रशासनिक और सैनिक स्वायत्तता प्रदान की गई जिससे उसे दक्कन में मुगल प्रतिनिधि पर किसी प्रकार निर्भर न रहना पड़े। पूर्व के सेनापतियों की तरह जय सिंह ने मराठों की शक्ति को कम आंकना की भूलने की उसने सावधानी के साथ कूटनीतिक और सैनिक तैयारियां की। उसने शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों से सहायता देने की अपील की। पूना पहुंचकर जय सिंह ने शिवाजी के प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थल पुरंदर पर आक्रमण करने का फैसला किया। शिवाजी का परिवार और खजाना पुरंदर में ही था। जय सिंह ने बहुत नजदीक से पुरंदर पर घेरा डाला 1665 ईस्वी में और उसे मुक्त कराने के मराठों के सभी प्रयत्नों का विफल कर दिया। जब शिवाजी को लगा कि अब किले ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो उसने जय सिंह से समझौता वार्ता आरंभ कर दी। इस समझौता की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर हुई, तो शिवाजी के पास जो 35 किले थे उनमें 23 किले और उनके आस पास के इलाके जिनसे प्रतिवर्ष 4 लाख की राजस्व की आमदनी होती थी मुगलों को देने तथा अन्य के 12 किले जिनकी सालाना आय 1 लाख थी इस तट पर शिवाजी के हाथों में रहने थे। वह दिल्ली के अधिकार में रहेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा। बीजापुर राज्य के 4 लाख की आय जो क्षेत्र शिवाजी के पास थे वे उसे छोड़ दिए गए। इसके अतिरिक्त बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख की आय वाले जिन क्षेत्रों पर शिवाजी की नज़र थी और जिसे जीतने का मंसूबा बांध रखा था उन पर भी उसका दावा स्वीकार कर लिया। इनके स्थान पर उसे सम्राट को 40 लाख किस्तों में अदा करना था। ठीक है, तो एक आपका बालाघाट क्षेत्र था, ठीक है, 5 लाख की आय वाला क्षेत्र था, ठीक है, और यहाँ पर सम्राट को 40 लाख किस्तों में देना था। शिवाजी ने अनुरोध किया कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से मुक्त रखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर उसके नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। परंतु शिवाजी ने वचन दिया कि अगर मुगल दक्कन में कोई युद्ध लड़ेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होगा। तो शिवाजी ने अनुरोध किया कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से मुक्त रखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर उसके नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। परंतु शिवाजी ने वचन दिया कि अगर मुगल दक्कन में कोई युद्ध लड़ेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होंगे। जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने के लिए राजी किया, परंतु शिवाजी की यह यात्रा सर्वथा निष्फल साबित हुई। दरबार में शिवाजी को 5000 सरदारों का दर्जा दिया गया, जो दर्जा उनके नाबालिग पुत्र को भी दिया गया था। इसे शिवाजी ने अपना अपमान समझा था। ठीक है, तो दरबार में शिवाजी को 5000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया, जो दर्जा उनके नाबालिग पुत्र को भी दिया गया था, इसे शिवाजी ने अपना अपमान समझा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियाँ। तो शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियाँ क्या होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, आज तक हम यही रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।